आप अगर दीव आ रहे हो ना तो नागांव बीच डेफिनेटली आना। नागांव बीच का जो पूरा नाइट लाइफ का जो वाइब है ना, इट इज ऑसम। आई मीन देयर आर सो मेनी गुड प्लेसेस ओवर हियर। देयर आर 3-4 बिग ब्रांड्स हियर। द फोन का रिसोर्ट है, उनका रेस्टोरेंट भी है, देन राधिका बीच रिसोर्ट एंड स्पा व्हिच इज दिस वन, उसी के बगल में कोस्तामार एंड देन कृष्णा बीच रिसोर्ट स्पा, एंड दिस जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट टू नागांव बीच का एंट्रेंस। तो यहाँ पे ज़रूर आइए, स्पेशली एट नाइट। दिस इज़ लाइक अ वेरी हैपनिंग प्लेस। और जो मैंने एक फूड कोर्ट बताया, दैट इज़ ऑल्सो समवेयर ओवर देयर नेक्स्ट टू कोस्तामार। सो इफ़ यू कम टू दीव एंड इफ यू डोंट विजिट दिस प्लेस, देन यू हैव मिस समथिंग रियली स्पेक्टेकुलर इन टर्म्स ऑफ नाइट लाइफ और मे बी रेस्टोरेंट लाइफ यू कैन से। सो दिस प्लेस, यहाँ पे सी फूड और अल्कोहल मिलता है, अदरवाइज यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट इन एनी अदर प्लेस इन दीव। डू विजिट दिस प्लेस इन केस यू आर अ सी फूड फैन। डे 3 को हम रवाना हुए भावनगर से दीव के लिए, जहाँ हमारा ओवरनाइट स्टे करने का प्लान था। रास्ते में भावनगर के हाईवे पर टच करते ही हमें एक साइन बोर्ड दिखा जिसमें लिखा था कि घोघा पोर्ट यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहता हूँ। डे 2 के हमारे वीडियो में हमने बताया था कि हम वलसाड से भावनगर 100% रोड से गए थे और वो सफर काफी लंबा और थकाने वाला था। इससे बचने के लिए एक ऑल्टरनेट रूट भी है, जो है वाया रोरो फेरी फ्रॉम हाजिरा पोर्ट नियर सूरत टू घोघा पोर्ट नियर भावनगर। इस जहाज में 80 कार्स, 30 ट्रक्स और 500 पैसेंजर्स कैरी करने की क्षमता है और ये मॉडल एक कोरियन बिल्ट वोयाज सिम्फनी मॉडल है। हमें इस रूट के बारे में काफी लेट पता चला, जब हमारी सारी होटल बुकिंग्स हो गई थी और पॉइंट ए टू पॉइंट बी की 7 दिन की सारी प्लानिंग हो गई थी, इसलिए हमने फेरी वाला ऑप्शन चूज नहीं किया। मे बी नेक्स्ट टाइम वी वुड लव टू एक्सप्लोर, पर आप इस मजेदार रूट का आनंद जरूर लीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। चलिए जानते हैं इस रूट के फायदे। सूरत से भावनगर हमें 10 से 12 घंटे लगे थे बाय रोड, ड्राइविंग अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स। पर यही सफर अगर आप रोरो फेरी से तय करते हो तो आप सिर्फ 4 घंटे में पहुंचते हो और सिर्फ 80-90 किलोमीटर्स का ही आपका ट्रैवल होता है बाय सी। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी ये एक इको फ्रेंडली ऑप्शन है। जब हम कलेक्टिवली ट्रैवल करते हैं विद हंड्रेड्स ऑफ फेलो पैसेंजर्स इन अ फेरी, तो पोल्यूशन और आपका कार्बन फुटप्रिंट दोनों कम होते हैं, विच इज अ गुड थिंग। So next time you want to visit Diu, Somnath, Dwarka, etc. from Mumbai side, तो ये option जरूर explore कीजिए। Their official website for bookings is dgferry.com. After 1 hour of drive, यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा दिख रहा है, काफी सारी गाड़ियाँ भी दिख रही हैं यहाँ पे। So we are just taking a small halt. तो इस ढाबे पे हम लोग अभी रुके हुए हैं। Like a proper dawa kind of a place, but experience अच्छा है। चलो अभी भूख लगी थी, क्या करना है, there's no other option. Here we are having our Gujarati breakfast. ये क्या बोलते हैं उसको, जाड़ा गाठिया क्या? हाँ, अच्छा अच्छा वाने ला गाठिया। ओके ये मसाला है क्या? और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? कड़ी गुजराती कड़ी। ये मीठा होता है क्या? खट्टी और मीठी होती है। जैसे डिप करके खाने उसको। ओके, अपन चाय पण घेऊया याच्या बरोबर। मस्त, सुपर। हे बघ, सब जगह चाय अच्छी मिलती है, इस ढाबे में भी अच्छी मिलती है चाय। थिक मिल्क, इट्स अमेजिंग। आई एम हैप्पी एज अ चाय लवर। दिस इज द फर्स्ट पेट्रोल पंप दैट आई सॉ After driving for almost 1.5 hours, you see these bars that are up, Rahana? That means we are allowed to go. The train is not coming from this. See, this is the track. You see this track? Ah. One thing worth appreciating about Gujarat government is they are building the roads really nicely. Even the patch from Bhavnagar to Diu, यहाँ पे कुछ traffic नहीं है, कुछ मतलब कुछ भी traffic नहीं है. Hardly any vehicles is spot on the road, but still the roads are built so nicely. Maybe कुछ future plan होगा. As of now, the condition of roads is so good. So that is something which I really appreciate about Gujarat government. ये एक रेलवे क्रॉसिंग है, दूसरा रेलवे क्रॉसिंग एक्चुअली। ये क्लोज्ड है, जिसका मतलब है कि यहाँ से एक ट्रेन आने वाली है। You see that, Anna? You see the train there? Yes. Yes. तो ये मालगाड़ी है जो पिपाऊ पोर्ट से आ रही है। So there is a port over here called as Pipau Port. सामान लेके
It's over. It's done. यह है दियू का एंट्रेंस आर्च। यहाँ पुलिस सारी एग्जिट करने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। बूज बीइंग अवेलेबल हियर एट 60% डिस्काउंटेड प्राइस, मेनी पीपल ट्राई टू स्नीक आउट ऑफ दियू बाय टकिंग अवे लिकर बॉटल्स इन देयर बैग्स। दिस चेकिंग इज फॉर दैट ओनली। एंटर होते ही लेफ्ट में घोगला बीच है जहाँ वाटर स्पोर्ट्स भी अवेलेबल है। इस बीच को मैंने आगे डिस्क्राइब किया है। वी विल रिटर्न एट दिस बीच आफ्टर चेकिंग इनटू अ होटल एंड हैविंग अ लंच। ऑन दिस रोड कनेक्टिंग घोगला बीच टू दियू सिटी we had a spectacular driving experience. Diu was originally named as Dio, and it's an island in the Gulf of Khambat or Cambay. Diu district is a part of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, and it is the 9th least populated district in India. Not just in population, it is small in size also. If I have to draw an analogy with Mumbai, then Diu's length is equivalent to the distance between Kulaba and Dadar, that is 12 to 14 kilometers. And its width is equivalent to the distance between CST to Baikala, which is 4 kilometers. Exactly 5 hours of drive from Bhavnagar to Diu, including halt time taken for breakfast and refueling. The road from Diu city to Zolawadi area, where our hotel was located, is filled with lush greenery. Finally, we are in Diu. After a long trip, long drive of around 17 hours or more than that actually. दो दिन हो गए drive करते करते. But it's worth it. अभी actually हमें और beach पे जाना है. We have to do a lot of activities on the beach. Cover a lot of stuff. Good seafood. Yes. Before heading for lunch, let us quickly give you our hotel tour. We chose Hotel Shivam because its reviews on Google and other portals were good, and most of the guests in the past were families. We checked in on Christmas Eve. The availability was an issue, and hence peak season rates were applicable. We paid around 4,000 for one night, 2 days stay, and found it really worth. So if you are in Diu, you may think of staying at this place. But be careful, because there are two Hotel Shivams, one in Diu, that is this one that we are showcasing, and the other one is in Una, Gujarat, 30 minutes away from this place. And that is a pretty sad one. So be on the safer side and scan this QR code to land at the correct hotel. तो अभी चेक इन किया है हमने होटल शिवम में, एंड इट्स एक्चुअली अ गुड होटल। दे हैव एम्पल पार्किंग स्पेस ओवर हियर, लॉट ऑफ कार्स आर पार्क्ड, लॉबी आल्सो, इट इज वेरी वेलकमिंग। सो फॉर अ बजट होटल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज गुड, आई मीन इट्स नॉट एग्जैक्टली अ बजट इज गुड। So all in all, the selection of hotels was pretty good, thankfully. So reviews, हमने देखे, Google reviews, had a mix of Make My Trip as well as Goibibo reviews, and they all turned out to be correct. But more than Make My Trip or Goibibo, I think Google reviews, they help a lot. Where is my room? So we are finally here. Again, काफी अच्छा होटल है. It's very spacious. The rooms are amazing. Come here. Let me show you this. Okay. What is it? Oh my God. And these are all French windows. Anna? So big. Yeah, it's very big. So this is a swimming pool view right after my outside my balcony. And यहाँ पे restaurant है. They do serve liquor and veg, non-veg food both. Good space actually. There's some design. Yeah, there's some design inside. There's dolphin image. And look, there's Mickey Mouse. There's Mickey Mouse as well. Yeah, there's a kids pool. Yeah. So we have kept our bags here, और हम यहाँ से अभी जा रहे हैं immediately खाना खाने, lunch करने. See you over there. Lunch करने के लिए हम निकल पड़े थे नागवा बीच रोड पर,
to try some top ranked seafood restaurants in Diu, जैसे के राधिका बीच रिसोर्ट, कोस्तमार, पैरामाउंट, कृष्णा बीच रिसोर्ट, द फर्न वगैरह वगैरह. पर हम दोपहर को लेट पहुंचने की वजह से उनके किचन क्लोज हो गए थे एंड वी हेडेड टू अनदर एरिया दैट इज फोर्ट रोड वेयर देयर वाज ओनली वन नॉनवेज रेस्टोरेंट एंड इट वाज ओपन एट दिस टाइम. सिंस वी वर हंग्री वी डिड नॉट वांट टू एक्सप्लोर फर्दर एंड वी स्ट्रेट हेडेड टू होटल आलिशान. दीव के अंदरूनी रस्तों में ड्राइव करते करते आपको एक दिलचस्प चीज दिखेगी जो कि है पुर्तगाली स्टाइल आर्किटेक्चर. ज्यादातर घरों में व्हाइट और ब्लू की कॉम्बिनेशन देखने मिलती है. So right now I am at this hotel called Hotel Alishan. तो अगर सी फेसिंग आपको थोड़ा सी फूड अगर लेना है, बाकी यहाँ पे जितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं वेज रेस्टोरेंट्स हैं काफ़ी सारे. राइट नाउ आई एम हियर एट दिस फोर्ट रोड, राइट, इज कॉल्ड इज व्हाट, फोर्ट रोड, इज कॉल्ड इज फोर्ट रोड. सो नाउ आई एम गोइंग इनटू द नेवल शिप. So this ship is called as INS Khukri and it is stationary over here. It is not going to move. This is like a military or naval ship which has now been opened for other people to access. So you can see a lot of tourists over there who are accessing the ship. INS Khukri ye Indian Navy ka type 14 Blackwood class frigate tha jise 9 December 1971 ko Indo-Pak war mein humne kho diya tha. Frigate mane ek chota jahaz jo anya jahazon ki suraksha ke liye unke saath jata hai. दीव की तट से 40 नॉटिकल माइल्स दूर इस जहाज के अवशेष पाए गए हैं एंड दिस इज द ओनली शिप सिंस वर्ल्ड वॉर टू जिसे इंडियन नेवी ने युद्ध के दौरान खो दिया है. जो शिप दीव में पब्लिक व्यूइंग के लिए रखी है वो उस मेन शिप की याद में तैयार किया गया एक रेप्लिका है. एज दे से ओल्ड शिप्स नेवर डाई, दे रीइनकार्नेट एंड वी वर द लकी वंस टू हैव गॉटन अ चांस टू विजिट इट इन डिसंबर 2022 पोस्ट इट्स इनॉग्रेशन इन जून 2022. This is a divine experience coming on a military navy ship. Civilians usually they don't get to know how they are, how's the experience like. So ye sab cheeze hum log filmon mein dekhte hai, but now there's a chance for us to experience this real life in Diu. It is amazing experience, once in a lifetime. देखो इतनी छोटी छोटी जगह है, इतनी छोटी जगहों में से उनको गुजारा करना पड़ता है नेवी को. सलाम टू देयर लाइफ. These are the heroes of the ship. Laid their lives to protect the nation, and they were part of this ship, INS Khukri. यहाँ पे ये I think is the dining area or something. Sailor dining hall, canteen. Am I dressed correctly? Grooming is very important in navy. यहाँ पे I think ये लोग सोते थे. These were their sleeping beds, bunkers. Ships are पर ही तो यहाँ पे I think उनके सब गोला बारूद, all the weapons they might have been stored over here. Temperature also they have maintained it inside using an AC ताकि suffocation ना हो when you're going inside. And it's good. It's really a, you know, a moment wherein you feel really proud of yourself, really proud of what the Navy, Army, all the armed forces are doing for you. एक बार तो visit करना ही चाहिए. अभी यहाँ पे ऊपर हम लोग deck पे जाएंगे. उसके डोनेशन आप करेंगे, हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया. सो दिस इज लाइक अ फोटो क्लिकिंग एरिया. स्टीयरिंग व्हील है, सीट पे बैठ के लोग फोटो खिंचा सकते हैं. उन्होंने हमें हिस्ट्री भी बताई थोड़ी INS Khukri के बारे में. सो खोखरी इज एक्चुअली अ वेपन ऑफ द गोरखा रेजिमेंट. गोरखा रेजिमेंट इनके साथ अफिलिएशन था. दे वर एसोसिएटेड विद द शिप इन सम मैनर एंड यू विल डेफिनेटली फील अटैच्ड टू द नेवी, टू द इंडियन आर्म फोर्सेस व्हेन यू विजिट सच काइंड ऑफ प्लेसेस. सो डेफिनेटली विजिट हियर. अगर आप दीव आ रहे हैं तो ये शिप को ज़रूर विजिट करना ही है. जैसे आप दूसरे रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करते हो, वैसे ये इनका टेंपल है. दैट इज़ हाउ ही हैड पुट इट फॉरवर्ड एंड दैट आई एम कन्वेइंग इट टू यू गाइस. ओके, सो दिस इज़ लाइक टेंपल फॉर द आर्म फोर्सेज एंड इवन इट शुड बी द सेम फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. एंड ऑल्सो देर इज सनसेट हैपनिंग ओवर हियर. बहुत ही अच्छा नज़ारा है. सो आई एम काइंड ऑफ जस्ट इन टाइम शिप के यहाँ पे सनसेट के बहुत अमेजिंग अमेजिंग. एंड दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ माई GoPro. हमें देखना है कि ये वाकई में वाटर प्रूफ काम कर रहा है ठीक से कि नहीं विदाउट एनी केसिंग. तो अगर आप ये वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर, इसका मतलब है कि इसने ठीक से काम किया, वाटर प्रूफ है. अगर नहीं देख पाए तो ऑब्वियसली माई शूज गाइज एंड लास्ट टाइम
when we went to Goa, you all saw the video. If you didn't saw, check out that. What was there in the video? When I was in the water and when the waves were pushing me, then just go check it out and then write it in the comments. Let's go to the beach. दीव के घोगला बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। ये बीच दीव के एंट्रेंस पर स्थित है और यहाँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी अवेलेबल है। भारत में केवल 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गोवा के और स्पेशली साउथ गोवा के एक भी बीच को इस लिस्ट में स्थान प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त होने के लिए इन बीचेस को 33 पैरामीटर से गुजरना पड़ता है। तो हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सारे बीचेस को और स्पेशली ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस को साफ रखें, इनमें कूड़ा ना फैलाएं और उनका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मेंटेन करें। अगर आपको थोड़ा लोनली टाइम बिताना हो भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर, तो घोगला बीच इज योर बेस्ट बेट। द सैंड हियर इज गोल्डन एंड द वेव्स आर जेंटल। बच्चों को खेलने के लिए भी इस बीच का पानी काफी साफ सुथरा है और सेफ है। एंड जस्ट सनसेट हो चुका है। सो वी वर एट आईएनएस कुफरी, जब सनसेट हो रहा था वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, इट वॉज नॉट इन द प्लान, तो हम यहाँ पे पहले आने वाले थे, पर चलो हो गया प्लान तो हो गया प्लान। तो अभी हम यहाँ पे हमारे जूते वगैरह निकाल के हम पानी में जाने वाले हैं। क्लीन वाटर है ना, यू कैन सी द एक्चुअल ओशन बेड। वाओ, होल्ड माय हैंड, कम या कम टू मी क्विकली, कम हाँ ना, ये लवकर ये लवकर माझ्या कडे चालेल, ये लवकर ये लवकर, जस्ट स्टँड देअर, हां जस्ट स्टँड नाउ, वॉक टुवर्ड्स मी गाइस, यू कैन ऑल्सो सिट इन द वॉटर इफ यू लाइक। ओ माय गॉश, आउ आउ Baby wave. This wave slowly push you away. Another wave is coming, Anna. Look, we'll capture the wave now. Wait. Another one is coming. It's coming. Big wave is coming. Big wave. Yeah, it's very cool. You can down with me. Let's capture the wave now. It's coming. You got guys wet. Guys, did you get wet? There's a towel. You can go get a towel. तुझा फोन वॉटरप्रूफ नाही आहे, माझा आहे कॅमेरा वॉटरप्रूफ। अमेझिंग हॉरायझन इज सीन हियर आफ्टर द सनसेट, स्पेक्टॅक्युलर स्पेक्टॅक्युलर स्काय। And yes, really a clean beach. I think इसका मज़ा और ज़्यादा आएगा if you come in the morning time. तो अभी हम हैं अपना होटल में चाय पीने, जस्ट ऑपोजिट टू द सी फ्रंट। एंड अगेन गुजरात में हर जगह अच्छी चाय मिलती है, पर ये तो दीव है, बट स्टिल चाय इज अमेजिंग, डैम गुड, एंड दिस एक्सपीरियंस इज इवन मोर अमेजिंग टू हैव इट इन फ्रंट ऑफ द बीच। अपना के बारे में काफ़ी सुना था, काफ़ी सारे ब्लॉग्स में देखा, चाय ठीक थी पर सर्विस एकदम बेकार है। मीट यू फॉर डिनर, चलो थोड़ा पानी पूरी खा लेते हैं, इवनिंग स्नैक जस्ट बिफोर डिनर आवर्स। सो वी आर एट नागाव बीच और यहाँ पे इनका सर्व करने का स्टाइल थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे ये सब है ना, बहुत सारे बड़े बड़े बीच रिसॉर्ट्स हैं, राधिका बीच रिसॉर्ट, कृष्णा बीच रिसॉर्ट एंड स्टफ लाइक दैट। ये सब जो स्टॉल्स हैं ना, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट नागाव बीच ही है, बिटवीन दोज होटल्स। यहाँ पे विजिट करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, चाट वगैरह है, चाइनीज फूड एंड ऑल दिस पंजाबी आइटम्स एंड आइसक्रीम्स एंड स्टफ लाइक दैट, बहुत सारा है। सो आई जस्ट टेस्ट इट एंड टेल यू हाउ इट इज। ये गोड़ चटनी है ना, जमा मिक्स करें, नेम ऑफ दिस प्लेस इज, नेम ऑफ द प्लेस इज मैगी कॉर्नर, दिस इज द प्लेस।
पूरा अप टू द ब्रिम, फिल्ड अप टू द ब्रिम. It is extremely tasty. And taste wise, super. Kaha matlab? Mast hai. Very crispy, patla puri. So do visit this place, Maggi Corner. And yahan pe pani puri try kar liya. It cost some 50 rupees or something, but it's worth it. And they give 7 pieces, not just 6. पानी पूरी खाने के बाद हमने कुछ रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर किए इन द सेम एरिया ऑन नागाव बीच रोड एंड वी फाइनलाइज टू हैव डिनर एट राधिका बीच रिसोर्ट. वी रियली लव द वाइब ऑफ दैट प्लेस एंड इवन द रिव्यूज वर एक्सेलेंट. चलिए देखते हैं हमारा डिनर का रिव्यू. Yeah, baby, good job, good job. They have a very nice Christmas decor here. The name is Riviera Restaurant and Bar. So here the vibe is amazing, and the restaurant ka andar ka vibe is also amazing. And there is some waiting also over here. A bad monkey. It is very interesting. Dew style pomfret fry. So isme actually wo kuch masala dala hai unhone Dew style mein. And tawa fry kind of a thing. Head mujhe de dijiye. Tail inko. Very tempting. इसको थोड़ा ट्राई करके देखते हैं टेस्ट कैसी है. टेस्ट अच्छा है. देयर इज वन मोर अमेजिंग डिश हियर, दिस ड्यू स्टाइल चिकन करी. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ओके, इट इज टेस्टिंग अमेजिंग. ड्यू स्टाइल फिश फ्राई से अच्छी है करी है, चिकन करी. ये थोड़ा डिफरेंट है इसका टेस्ट, यू विल लव इट. दिस प्लेस वॉज वेरी लाइवली. राधा कृष्ण और गणेश जी की बहुत प्यारी मूर्तियां रखी थी और क्रिसमस डेकोर भी काफी बढ़िया तरीके से किया था. फूड सर्विस एंड एम्बियंस वॉज अमेजिंग टू. I would give this place a top recommendation of 5/5. It's important point. 9 baje sab dukane band ho jati hai, sab hotels band ho jate hain in Diu. And even these big ones that we had gone to, they close at around 10:30 or something like that. So please plan your dinners and all accordingly. Dinner was scrumptious and sumptuous. So before heading to a hotel, we took a stroll on Nagwa Beach at night. Kaafi thand thi. 15-16 degree hoga shayad. Aur dur par chamak raha Diu ka glow sign raat ke andhere mein ubhar kar dikh raha tha. Aaj ka din अभी तक का सबसे यादगार दिन रहा. अगले दिन सुबह हमने दीव में गंगेश्वर महादेव जी के दर्शन लिए और सोमनाथ की तरफ हम निकल पड़े और शाम को भावनगर में रिटर्न होकर वहां का चटपटा स्ट्रीट फूड ट्राई किया. सो स्टे ट्यून्ड फॉर अ डे 4 व्लॉग ऑफ मुंबई टू गुजरात रोड ट्रिप.